अंकिता भंडारी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। अंकिता भंडारी की दोस्त के साथ की गई चैट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें रिसोर्ट मालिक के बेटे और मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के उसके साथ किए गए गलत व्यवहार का जिक्र है। अंकिता भंडारी ने दोस्त के साथ चैट में लिखा था कि पुलकित आर्य ने बदसलूकी की कोशिश की। बता दें कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अंकिता भंडारी का शव आज ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मिला। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश ले जाया गया है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में गंगा भोगपुर के रिसोर्ट में काम करने वाली 19 साल की युवती अंकिता भंडारी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि अंकिता भंडारी की रिसोर्ट के मालिक के बेटे पुलकित आर्य अंकित गुप्ता और सौरभ ने कथित रूप से हत्या की। बाद में रिसोर्ट से कुछ दूरी पर ले जाकर चिल्ला नहर में शव को फेंक दिया। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी बीते 19 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद से आरोपी मामले को लेकर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने मर्डर का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद होने के बाद उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच IG के नेतृत्व में SIT की टीम करेगी। बता दें कि चिल्ला नहर से शव निकाले जाने के बाद पीड़िता के भाई और पिता ने उसकी पहचान अंकिता की बॉडी के रूप में की है। उधर आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने देर रात आरोपियों के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया और ध्वस्त कर दिया।